सीकर और झुंझुनू के अंदर आज यहाँ के नौजवानों ने, आरएलपी टीम ने, तेजा सेना सहित सर्व समाज ने नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम रखा मेरा, क्योंकि सीकर झुंझुनू से पुराना मेरा लगाव है विश्वविद्यालय की राजनीति से आज तक, और संघर्ष के अंदर भी दोनों जिलों का हनुमान बेनीवाल के साथ हमेशा साथ रहा। और ये वो शेखावाटी का वो इलाका जिन्होंने आजाद हिंद फौज से लेकर आज तक बॉर्डर पर लड़ाइयां लड़ी, सबसे ज्यादा आर्मी के अंदर यहाँ के जवान है, और शिक्षा के मामले में भी दोनों जिले इस राजस्थान के अंदर नंबर एक पे है, सुपर है। और चूंकि मैं कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति विधानसभा और फिर लोकसभा पहुंचा हूँ, जब मैंने हुंकार भरी राजस्थान के अंदर, तब भी सीकर के अंदर जो रैला हुआ था उसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी, मुफ्त बिजली की घोषणा भी करी, स्टेट हाईवे टोल मुक्त, कर्ज माफी की घोषणा भी हुई, और सीकर के जवान और किसान किसी बात को ठान लेते हैं शेखावाटी के, सीकर झुंझुनू के, वो पीछे नहीं हटते। और आज मेरा अभिनंदन सीकर और झुंझुनू की धरती पर ये कर रहे हैं, दोनों जिलों के अंदर जन सुनवाई भी करूँगा और यहाँ की प्रमुख जो समस्याएं हैं शेखावाटी की समस्याओं को सुनूंगा। वैसे तो लोकसभा के अंदर हमेशा जवानों और किसानों के मामले में उठाता रहा हूँ, और पहली बार राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की अगर मांग किसी ने उठाई तो नागौर के सांसद ने दिल्ली की सरकार को चेताया और ये कहा कि 5 वो राज्य जो विशेष राज्य की श्रेणी में अभी आंदोलन करें, 11 को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो राजस्थान को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश हो सके। आज़ादी के 70 साल बाद आज गाँव के अंदर पीने का पानी नहीं है, आज मैं पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, अस्पताल तो है लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं। कल मेरे नागौर के अंदर परसों सभापति की डेथ इसलिए हो गई कि अगर ढंग के हार्ट के डॉक्टर होते और समय पर इलाज होता तो निश्चित रूप से जान को बचाया जा सकता था। ऐसे हजारों मौतें सिर्फ इसलिए हो जाती है कि अच्छे जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वो जिला मुख्यालयों पर नहीं है, और सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी महकमों का यह हाल है कि मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा पद खाली होंगे महकमों के अंदर। तो इसको लेके हमने संघर्ष भी किया और पार्लियामेंट के अंदर इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि टोल मुक्त देश हो राजस्थान के बजाय, बेरोजगारी भत्ता जो कांग्रेस की सरकार ने शुरू करने की बात की थी 3500 रुपये, वो बेरोजगारी भत्ता अभी तक आ नहीं रहा है। जिनका भी रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय के अंदर हो गया उन सब नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये अपने आप मिलना चाहिए। और मैंने एक बात हमेशा ये भी कही थी कि कोई भी पार्टी घोषणा पत्र लागू करती है और उस घोषणा पत्र को जारी करने के बाद अगर उसको लागू नहीं किया जाता पूरी तरीके से तो उन पार्टियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिस तरह जोड़ा छाप डॉक्टरों के खिलाफ और फर्जी जो बरगला के लोगों को लूट के भाग जाता है, उसी तरह वोट भी अगर बरगला के कोई पार्टी लेती है तो उनका घोषणा पत्र अगर सही रूप से पार्टियां लागू नहीं करती तो पार्टियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ये मांग मैं हमेशा उठाता रहा हूँ। और आज यहाँ पे सीकर के बाद झुंझुनू का कार्यक्रम है, झुंझुनू में अभिनंदन है, उसके बाद मंडावा, और मंडावा से होते हुए शाम को सीकर के अंदर वीर तेजा जी महाराज का कार्यक्रम है, तेजा गायन का और कवि सम्मेलन है। तेजा जी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दे के एक अमिट छाप छोड़ी, और मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के वीरों को कि वीर तेजा जी महाराज की याद के अंदर आज आपने बहुत बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ, हनुमान बेनीवाल जिस विचारधारा को लेकर राजस्थान के अंदर आगे बढ़ा, नई पार्टी का गठन किया, नेता बड़े बड़े हुए होंगे राजस्थान के अंदर, खुद की क्षेत्रीय पार्टियाँ किसी से नहीं बनी, 3 विधायक जीताए, 25 जगह अच्छे वोट लिए, 57 जगह उम्मीदवार लड़ाए, प्रत्येक जाति के व्यक्ति को लड़ाया और हर सबसे ज़्यादा नौजवानों को टिकट दी। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ 23 के अंदर और मजबूती से हम राजस्थान के अंदर लड़ेंगे और 23 की सत्ता राजस्थान के अंदर किसानों के हाथ में होगी, 23 की जंग बहुत बड़ी जंग होगी जो पूरा देश इस राजस्थान की लड़ाई को देखेगा। राजस्थान में चारों तरफ त्राईमाम मचा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए, वसुंधरा राजे जिस पर गहलोत भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, माथुर आयोग बनाया, जब सत्ता के अंदर आए तो टाइम टाइम फिस हो गई और वसुंधरा का बाल भी बांका नहीं, उसका चपड़ा सी भी नहीं पकड़ा, हाईकोर्ट का आदेश है। अब जब वसुंधरा का राज था, गहलोत की मदद हुई और अब वापस अशोक गहलोत आए, एक तरफ तो हाईकोर्ट के
कंटेंप्ट और आदेश की आड़ में बंजारा बस्तियों को उजाड़ दिया नागौर के अंदर। कई जगह बुलडोजर चले, कई जगह खूनी पंजा चला, लोग गरीबों के घर उजड़ गए, मौतें हो गई। नागौर के अंदर 3 मौत हो गई, एक बंजारा चला गया, एक मुसलमान चला गया और एक एसटीएफ का जवान जो वहां पुलिस अधिकारियों की गलती की वजह से ड्यूटी ज्यादा देने से हार्ट अटैक से उसकी मौत। 3 मौत हो गई, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और फिर सरकार में एक फुट पाई। और दूसरी तरफ मैं सीएम का बयान पढ़ रहा था, कल मीडिया के माध्यम से वो जानकारी मिली। सीएम ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूपी के एक जजमेंट के बारे में कि मुख्यमंत्रियों के पूर्व मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों के बंगले इमीडिएट खाली होने दिए और दिल्ली में ये परंपरा चली और दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्रियों के सारे बंगले खाली करा दिए। दिल्ली में सारा जो भी सिस्टम है लागू हुआ। और जब इनको लगा राजस्थान के अंदर कि हमें बंगले मदद करनी है तो बिल लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल लेके आई कि सिर्फ वसुंधरा जी का बंगला रखने के लिए, क्योंकि बंगले पे 8 से लेके 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्विमिंग पूल अंदर 7 स्टार होटल की तरह है वसुंधरा जी का बंगला। मैंने तो अंदर से नहीं देखा लेकिन लोग कहते हैं कि बंगला बहुत हाईटेक बना रखा वसुंधरा जी ने। वो उस बंगले का इतना मोह है कि उसको खाली नहीं करना चाहते। सीएम थी जब 2 बंगले थे, 5 बंगले रखे, हमें उससे क्या करना। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम से जो बंगले सुप्रीम कोर्ट ने खाली कराने का आदेश दिए थे, और तब जब बंगले खाली होने थे लोग सुप्रीम कोर्ट में वापस गए तो ये बिल लेके आ गए कि अब हम इस बिल के माध्यम से बचाव करें। और उस बिल को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया, अवैधानिक करार दिया। वसुंधरा राजे सहित उन तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों के बंगले खाली होने चाहिए जो लंबे टाइम से कब्जा करके बैठे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि वसुंधरा जी का बंगला हाईकोर्ट कौन होता है, सरकार तय करेगी। और एक तरफ जब बंजारा जाति के लोग मिले तो बोले हाईकोर्ट का मामला है, मैं भाग नहीं ले सकता। मतलब एक तरफ तो हाईकोर्ट है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने। इससे सीधा सीधा संदेश जाता है कि गहलोत वसुंधरा राजस्थान के अंदर मिले हुए। मैंने प्रयास किया, कोशिश की, वसुंधरा को लंदन भेजा और गहलोत को 99 पे लाके वेंटिलेटर पर डाला। लेकिन सारी चीज़ें मेरा हाथ में नहीं थी, लेकिन अब मैं भरोसा दिलाता हूँ दोनों को घर बिठाएंगे। और वसुंधरा अगर राजस्थान में ज़्यादा सक्रिय दिखी तो हमारा राजस्थान के अंदर फिर मामला ठीक नहीं बैठेगा, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी 2 दिन पहले मीडिया के माध्यम से कहा था कि जिसपे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, प्रधानमंत्री जी जिससे खुद व्यथित थे, उसके भ्रष्टाचार से दुखी थे, उसका ही अभी हम जो गतिविधियां देख रहे हैं वसुंधरा की और जो गहलोत और उनका मेल मिलाप देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि राजस्थान को अभी और संघर्ष की आवश्यकता है। दोनों को घर भेजना होगा। वैसे अशोक गहलोत तो ठीक हो गए, उनका बेटा उनके घर में ही आ गया, इससे विचलित भी ज़्यादा है, परेशान है, चाय जैसी बातें भी कर देते हैं। और जो एक वो गहलोत दिखा करते थे 8 से 13 के अंदर, अब जो 18 से 23 का गहलोत का कार्यकाल है वो बिल्कुल नजर नहीं, संवेदनशीलता कहीं है ही नहीं। आप हर जगह, अभी आज अभी समाचार मिला कि बेरोड के थाने से बदमाश AK-47 के साथ आए, थाने वालों ने हाथ खड़े किए और बदमाशों को छुड़ा कर ले गए। निर्वस्त्र करके जगन गुजर महिलाओं को भीड़ के अंदर घुमाता है गाँव के अंदर। अलवर के अंदर गैंगरेप की घटना होती है, नागौर के अंदर भी ऐसी घटनाएं होती है, शेखावाटी के अंदर ऐसी घटनाएं होती है। शेखावाटी के अंदर सीकर में छात्र संघ के चुनाव को लेके हमारी बहन बेटियों को इस तरह घसीटा पीटा जाता है जिसका वीडियो वायरल होता है, और आज तक उस थानेदार को सस्पेंड नहीं किया, उस DYSP को सस्पेंड नहीं किया, उन जितने भी जो उसके अंदर दोषी लोग थे उनको निलंबित नहीं किया गया, एक प्राचार्य को APO कर दिया क्योंकि उनको पता 9 तारीख के आंदोलन की चेतावनी। तो इसमें भी मैं सरकार की निंदा करता हूँ इस करते कि अगर हमारी बहन बेटियों को पुलिस पीटे और ये कहते बाद में कि लड़का था या लड़की थी हमें पता नहीं, इससे ज़्यादा कानून का मजाक नहीं बन सकता। मैं तो गहलोत साहब इस्तीफे की मांग करता हूँ कि आपसे राजस्थान नहीं संभल रहा, आपके विधायक आपके बस में नहीं, 2 खेमे बढ़ गए कांग्रेस के अंदर, लड़ाई सड़कों पर आएगी, आप देखना 1-2-4 महीने बाद जंग किस तरह सड़कों पर लड़ी जाएगी। अब गहलोत साहब वो जमाने चले गए कि आप मैसेज की राजनीति करो और लोगों को आपस में लड़ा के काम करो, अब ये मामला चलने वाला नहीं। स्टेट का नौजवान समझ गया, किसान समझ गए, अब ऊपर भी जो कांग्रेस की हालत है वो हमने देखा किस तरह की हालात है, वो राजस्थान के अंदर भी यही हालात होगी। और मैं शेखावाटी अंचल से कांग्रेस को हराने का भी आज आह्वान करूंगा कि मंडावा के अंदर कांग्रेस पार्टी को हराना है, ये मैं शेखावाटी के नौजवानों को आज संदेश झुंझुनू और मंडावा के अंदर देखे जाऊंगा। और चूंकि मेरा सहयोग हमेशा रखा इसके लिए धन्यवाद। और 9 तारीख का जो आंदोलन सीकर के अंदर चल रहा है, सारे लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं पुलिस कार्रवाई के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ,
इस आंदोलन में हनुमान बेनीवाल का पूरा समर्थन इन आंदोलनकारियों के साथ है। सरकार की गलती है, पुलिस की गलती है, मौके पे पुलिस अधीक्षक का भी आना बताया, पुलिस अधीक्षक मौके पे जाते हैं और DYSP ने तो सारा खेल लचार खुद खुल के डंडे बरसाए। एक थानेदार घसीट रहे बिटिया को, मैं अभी यहाँ से जाट हॉस्टल भी जाऊँगा और जाट हॉस्टल पे जब जाए पुलिस घुस जाती, मजाक है क्या पुलिस इस तरह घुस के, छोटे बच्चे रहते वहाँ पढ़ने वाले, उनको घसीट के पीटा जाता है। मैं राजस्थान की पुलिस को ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ, राजस्थान की सरकार को, बिना वजह अगर सीकर की जाट हॉस्टल के अंदर पुलिस दोबारा घुसी तो फिर राजस्थान की सरकार को, पुलिस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो जाए राजस्थान की सरकार। मैं जाऊंगा अभी हॉस्टल के अंदर, मिलूंगा उन्होंने बच्चों से जिनके टेलीफोन मेरे पास आए थे। मैं इसको कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहता, लेकिन राजनीति की आड़ के अंदर अगर कोई हमारे बच्चों पर गुंडागर्दी करेगा, पुलिस का डंडा बेवजह बरसेगा, तो हनुमान बेनीवाल भी चुप नहीं बैठेगा। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरी रगों में वही खून दौड़ रहा है तो किसान के दूसरे बेटे बेटों को दौड़ रहा है। मैं आज सेकावाटी की धरती से आह्वान करता हूँ कि आने वाला समय मिशन 23 हमारा है। सेकावाटी से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है, मारवाड़ तैयार है और सेकावाटी तैयार होते ही जयपुर का रास्ता इधर से होकर जाता रहा, जयपुर की सत्ता में काबिज होंगे। जो हालात हमने देखा अभी, जो नानी गांव का मामला आपने बताया बाढ़ का, आप लोग जाके आए थे जगह जगह राजस्थान के अंदर, बताइए कौन से ऐसे, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के राज में क्या फर्क लगा? वही बीजेपी का राज था, वही बर्बरतापूर्वक जो पुलिस की कार्रवाई होती थी वो कांग्रेस के राज के अंदर भी वही हो रहा है। खुल के ये लोग सड़कों पर आ गए, इनके प्रमुख मंत्री पैसा कमाने में लगे हुए, होड़ मची हुई है कि पता नहीं सरकार कब चली जाए, तो लूट पाट कर लो ट्रांसफरों की। जैसे पहले हमारे कालीचरण शराब पर आरोप लगते थे, पेट्रोल पंप के आरोप लगाते थे, तो जो कालीचरण पर आरोप लगते थे वो धंधा यहाँ के करीब 6-7 मंत्रियों ने चालू कर दिया पूरा उगाही का, तो सारा सिस्टम ही काम करा। और CM मुझे लग रहा है कि मजबूर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं CM की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है इस मामले के अंदर, कि आखिर CM कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे कोई मामले, क्यों नहीं वो, उनको संवेदनशीलता कहाँ चली गई, उनके भाषण कहाँ चले गए, गांधी बापू कहते थे ना, गांधी जी बापू कहाँ चले गए सारे सारे। जो बर्बरतापूर्वक हालात सारे अधिकारी मुख्यमंत्री को चला रहे हैं, जो फीडबैक नीचे से आता है उसी के आधार पर कार्रवाई करते हैं। कुछ बेटे के हारने से बौखला गए इसलिए हर तरह की बात भी करते हैं। अब मुझसे कह रहे थे कि हनुमान जी से आह्वान करता हूँ राजस्थान को बख्श दो, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि आपने राजस्थान को 10-15 साल लूट लिया, आप छोड़ दो राजस्थान को। मैं अपील कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, छोड़ो राजस्थान को। मैं कौन था CM रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो MLA था फिर भी लड़ता था, MP हूँ दिल्ली में लड़ रहा हूँ, इस राजस्थान का मान बढ़ा रहा हूँ। और आपको अगर इतनी राजस्थान की चिंता है तो वसुंधरा बंगला खाली करो आज का, पता लगे आप में कितना दम है। मैं दम देखना चाहता हूँ मुख्यमंत्री का, कि खाली बातें ही करते हो कोई काम भी करते हो आप। देखा हमने सारा सरकारी सिस्टम फेल है, तबादला उद्योग चालू हो गया कई जगहों पे, कई जगह चालू होने वाला है, और कालीचरण शराब के पेट्रोल पंप की जो पर्ची चलती थी वो भी 3-4 मंत्रियों में चलने लगी, वो पर्चियाँ बाहर भी आ जाएगी। तो राजस्थान की सरकार फेल है, जंगल राज है राजस्थान के अंदर, कानून का राज नहीं, और बदले की भावना से कार्रवाई राजस्थान के अंदर की जा रही है। और वसुंधरा और अशोक गहलोत मिले हैं राजस्थान के अंदर, ये मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं राजस्थान की जनता को अपील करना चाहूँगा कि वही जो लोग कह रहे हैं जो लगातार 1998 से लेकर 20 साल से इस राजस्थान को लूट रहे हैं, इन दोनों को राजस्थान से मुक्त करना। और हनुमान बेनीवाल तो लड़ाई लड़ी, समय कम मिला, पार्टी बनाने के 19 दिन बाद टिकटें भी बांटनी पड़ी, लेकिन अब समय पूरा है, 5 साल हम लड़ेंगे, प्रयास करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे, 36 कौम को साथ लेके एक नए राजस्थान का निर्माण हम लोग करेंगे। मंडावा में कांग्रेस को रहने की बात की, आप अकेले लड़ोगे या बीजेपी के साथ रहोगे मंडावा? देखिए अभी चूंकि दिल्ली में मेरा गठबंधन है, मोदी जी के साथ हूँ, और यहाँ भी जो राजस्थान के अंदर है एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से आजकल में बात हो जाती है। इच्छा तो हमारी यही है कि राजस्थान में बीजेपी और हम मिलकर लड़े, और मिलकर अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस आराम से हार जाएगी। बात करेंगे इस मामले के अंदर अभी सर। राजस्थान राजस्थान सरकार ने अभी तक महिला आयोग की अध्यक्ष का जो मनोनयन है वो नहीं किया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, सीकर की घटना हो, अलवर की घटना हो, या फिर राजस्थान की सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। गहलोत साहब ने बेटे को हरा लिया, उसके अलावा क्या क्या बताऊं, अभी कहाँ किया, और उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे।
सर एक और सवाल, संविदा कर्मियों को लेकर आप लगातार संघर्षशील रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, इस बार आप एमपी बनने के बाद क्या कोई नई रणनीति लेकर आ रहे हैं उनके लिए? उनके साथ भी लगातार जो सरकारें हैं वो छलावा करती रही हैं, इस पर संविदा कर्मी जितने भी राजस्थान के अंदर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक भर्ती की प्रक्रिया नए तरीके चालू होनी चाहिए। जितने पद खाली हो उतनी वैकेंसी निकालो, पद भरो, ये सरकार को सिस्टम लागू करना चाहिए। लेकिन संविदा कर्मी जिनसे काम भी खूब लिया गया, पैसे कम दिए, विद्यार्थी मित्रों का लंबा आंदोलन चला, और उसके बाद चाहे पैरा टीचर से लेकर जो जो हुआ था आपके सामने सारा, लोग कहीं तो रिटायर हो गए, कईयों की मौत हो गई, कईयों के रिश्ते टूट गए, बच्चे आंदोलन करा, पीटीआई भर्ती का जो चल रहा है आज, करीब 6-7 हज़ार बच्चे जो पास हो गए, उनमें 4-1 हज़ार की भर्ती होनी है, वो सरकार चला के नहीं कर रही, कहीं कोर्टों के अंदर मामले उलझ जाते हैं। संविदा कर्मी जितने भी है राजस्थान के अंदर, सरकार ने जो आश्वासन दिया, चाहे बीजेपी की सरकार ने चाहे कांग्रेस की सरकार ने, उन सबको नियमित करना चाहिए। और अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी को संविदा पर ले लिया और उसके बाद डिग्री नहीं, तो डिग्री उसको करवा लो ना, संविदा पर लेने के बाद डिग्री करा के उसको सही कर दो बच्चे को, जैसे पहले कराई थी, बीएड भी करवाई थी, कई जो बीएड वाले नहीं थे जिसमें अपना ये स्कूलों के अंदर प्रबोधक लगाए थे, वो भी अपन कर सकते हैं। मैं मेरी हमेशा पीड़ा रोजगार को लेके, 5-4 लाख जो खाली पदों भरे जाए राजस्थान के अंदर, और मैंने तो दिल्ली के अंदर ये भी मामला उठाया कि टोल मुक्त देश होना चाहिए, तब गडकरी जी ने कहा था कि टोल मुक्त नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं तो मेरी बात उठाऊंगा ना, हनुमान बेनीवाल तो अपनी बात हर जगह रखेगा, संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए किसानों का, जवानों को रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल अब इसको लेके बहुत बड़ा आंदोलन जल्दी राजस्थान की धरती पर करेगा, और जिन मुद्दों को लेकर हमने हुंकार भरी, आरएलपी बनी, उन मुद्दों पर हम कायम हैं, लड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। सीकर के अंदर इस आंदोलन को मेरा पूरा समर्थन है, सरकार को तुरंत प्रभाव से डीवाईएसपी सहित जितने भी दोषी अधिकारी है, थानेदार है, और जो भी जिसका अब आप कह रहे हो एडीएम से जांच कर, एडीएम की जांच में मुझे लग रहा है कि कोई एसपी कलेक्टर तो दोषी होगा नहीं, कि वो तो उनके नीचे आता अधिकारी एडीएम, अगर इस पूरे प्रकरण की जांच संभाग आयुक्त करता या जुडिशियल न्यायिक जांच होती तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी होता, लेकिन वीडियो वायरल हो रहे हैं उन लोगों को जो चला के ये कह रहे हैं हमारा क्या बिगाड़ लिया, वो लड़की नहीं लड़का था, डीवाईएसपी, थानेदार और तमाम पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने बेवजह सीकर के अंदर कानून व्यवस्था खराब करी, और आवश्यकता पड़े तो सरकार को इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन सरकारों की आदत है कि 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी खाना, वो वाली करके ही करता है, और ये करेगी सरकार। सीकर में भी सरकार को मांग माननी ही पड़ेगी, नहीं तो सीकर में अगर ये सब लोग मिलकर जो तय करेंगे, ये हमारी जो यहाँ की टीम सीकर की कमेटी तय करेगी, कुछ मेहमान बनीवाल भी साथ हैं, आवश्यकता पड़े तो जयपुर कूच कर देंगे।